अनोखा मंदिर। भगवान को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु मंदिरों में फल, फूल, मिठाई आदि चीजों के भोग लगाते हैं, लेकिन कुछ मंदिरों में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ऐसी चीजों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है जो कि उन मंदिरों को अनोखा और हैरतअंगेज बनाता है। ऐसे चढ़ावों और ऐसी मान्यताओं के कारण उन मंदिरों की खूब प्रसिद्धि होती है। आज आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां एक अनोखा ही चढ़ावा चढ़ता है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको, मगर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही दिए गए घंटी के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट करें। 30 सालों से चली आ रही है ये अनोखी परंपरा। ये मंदिर भगवान काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी के करीब तकरीबन 70 किलोमीटर दूर जौनपुर में स्थित है। ये मंदिर एक ग्राम देवता थी जिसे स्थानीय लोग ब्रह्मा बाबा के नाम से जानते थे, लेकिन पिछले 30 सालों से ब्रह्मा बाबा के इस मंदिर में घड़ियों का चढ़ावा चढ़ाया जाने लगा और तब से ही ये मंदिर घड़ी बाबा मंदिर के नाम से विख्यात हो चुका है। इस मंदिर में यह परंपरा शुरू होने के पीछे एक रोचक कहानी है। ऐसे शुरू हुई घड़ियां चढ़ाने की परंपरा। इस गांव के लोग बताते हैं कि किसी समय एक व्यक्ति के मन में ट्रक ड्राइवर बनने की चाहत हुई। ड्राइविंग सीखने के लिए वह ब्रह्मा बाबा के मंदिर में मन्नत मांगने आया। संयोगवश वह एक अच्छा ट्रक ड्राइवर बन गया। ट्रक ड्राइवर बनने के बाद उस व्यक्ति के अच्छे दिन शुरू हो गए। मन्नत पूरी होने के बाद वह व्यक्ति ब्रह्मा बाबा के मंदिर में भेंट स्वरूप घड़ी चढ़ा गया। जब लोगों को यह बात पता चली तो उन्हें लगा घड़ी चढ़ाने से ब्रह्मा बाबा हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। इसके बाद धीरे धीरे वहां घड़ियां चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई, जिसके बाद यहां पर बड़ी ही संख्या में श्रद्धालु आने शुरू हो गए। इस अनोखे मंदिर की प्रसिद्धि इतनी बढ़ चुकी है कि हर वर्ष बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं और घड़ियों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। और यही घड़ियों का चढ़ावा इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है। कुछ श्रद्धालु तो मंदिर के बाहर पेड़ पर ही घड़ियां चढ़ा जाते हैं। उनका कहना है कि पेड़ पर घड़ियां चढ़ाने से ये बाबा मन्नत जल्दी सुन लेते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतने सालों में यहां से आज तक कभी भी किसी ने घड़ियां नहीं चुराई। लोगों का मानना है कि ये घड़ी वाले बाबा का ही प्रताप है कि चोर भी घड़ियां चुराने की हिम्मत नहीं करते। तो दोस्तों कैसे लगा आपको भारत का ये घड़ी बाबा का मंदिर, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे छोटे से घंटी के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे भी आपको हमारी ऐसी ही अनोखी भरी जानकारी वाली वीडियोस मिलती रहें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।